कोरिया चीन से हार्ड कंपा देने वाली ठंड के बीच से आते सैनिकों के चित्र, वर्ष 2013 में आई केदारनाथ आपदा हो या 2021 में चमोली में ग्लेशियर टूटने से आई प्रलय का आंखों देखा हाल, या फिर कोरोना महामारी का यह समय जब हम सभी अपने घरों में बंद हैं, निरंतर प्रत्येक विषम परिस्थिति में जान हथेली पर लेकर अपने जीवन की चिंता किए बिना जो हम तक सूचनाएं और समाचार पहुंचाने का काम कर रहा है, जन सामान्य और सरकार के बीच सेतु का काम कर रहा है, सरकार प्रशासन और जनता के बीच संवाद स्थापित कर रहा है, वह है पत्रकार। ऐसे ही न जाने कितने अवसरों पर मीडिया कर्मी स्वयं अपना जीवन संकट में डालकर हम तक समाचार पहुंचाने का काम करते हैं, किंतु आज कुछ स्वयंभू विद्वानों के कारण जो पत्रकार नहीं बल्कि पक्षकार हैं, पत्रकारिता का गरिमापूर्ण व्यवसाय कलंकित हो रहा है। ऐसे में एक पौराणिक चरित्र जो हमें पत्रकारिता की सुचिता और सम्मान बनाए रखने का मार्ग दिखाता है, जिसे हम सृष्टि के प्रथम पत्रकार के रूप में जानते हैं, और वह नाम है देवर्षि नारद। नारद सिखाते हैं कि परिस्थिति कितनी भी विषम और प्रतिकूल क्यों न हो, सत्य को विचलित हुए बिना कैसे प्रकाशित किया जाता है, बिना किसी राग लपेट, बिना किसी प्रलोभन के और बिना किसी भय के। सत्य के मार्ग पर चलते हुए उनके पथ पर भी कई संकट आए, किंतु कर्तव्य पथ से कभी डिगे नहीं, लगातार तीनों लोकों में संवाद स्थापित करते रहे। देवर्षि नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र और विष्णु जी के अनन्य भक्त माने जाते हैं। उनकी जयंती पत्रकार दिवस के रूप में ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया को मनाई जाती है। आनंद के सागर परम तेजस्वी नारद जी वेद और उपनिषदों के मर्मज्ञ, इतिहास पुराणों के विशेषज्ञ, प्रभावशाली वक्ता और योग बल से समस्त लोकों के समाचार जान सकने में समर्थ हैं। देवर्षि नारद का एक ही ध्येय था, तीनों लोकों में संवाद स्थापित कर निस्वार्थ भाव से लोकहित के लिए सत्य का प्रचार करना। एक आदर्श पत्रकार का गुण होता है कि वह बिना किसी भेदभाव के सही तथ्यों को सभी के समक्ष रखे। नारद जी सुर असुर, यक्ष किन्नर गंधर्व नाग देवता और मानवों के मध्य सहजता से भ्रमण करते और उनके साथ संवाद करते हुए साक्षी भाव से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, जिससे सभी वर्गों में उनकी विश्वसनीयता अक्षुण रही। एक पत्रकार का विशिष्ट गुण होता है कि उसके द्वारा दिए गए किसी तथ्य अथवा सूचना से समाज का अहित न हो। नारद जी अपनी सूचनाओं को इस प्रकार प्रकट करते कि उसका परिणाम सकारात्मक होता है। विलक्षण प्रतिभा के धनी महर्षि नारद एक महान भविष्य दृष्टा भी हैं। वर्तमान परिस्थितियों का तार्किक विश्लेषण करके ही एक कुशल पत्रकार भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगा सकता है। उसके अनुमान की सत्यता उसकी प्रखर मेधा और निष्पक्ष दृष्टि पर ही निर्भर करती है। भारतवर्ष के प्रथम हिंदी समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड का शुभारंभ नारद जयंती को ही हुआ। प्रथम अंक के प्रथम पृष्ठ पर संपादक ने नारद जयंती की शुभकामनाएं देते हुए आभार व्यक्त किया। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार वह दिनांक थी 30 मई 1826 और इसीलिए हम 30 मई को पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाने लगे। राम अवतार से लेकर कृष्ण अवतार तक नारद जी की पत्रकारिता लोक मंगल और लोकहित ही संवाद संकलन है। देवर्षि नारद दिव्य पत्रकार के रूप में लोक मंडल के संवाददाता हैं। नारद संवाद का सेतु जोड़ने का कार्य करते हैं, तोड़ने का नहीं। नारद मुनि को भक्ति शास्त्र का प्रणेता कहा गया है। इसके 35वें सूत्र में कहा गया है, दुसंगः सर्वथा त्याज्यः, अर्थात जो नकारात्मक हो उसको त्याग देना चाहिए। देवर्षि नारद हमें सिखाते हैं कि पत्रकारिता का उद्देश्य लोकहित है, प्रोपेगेंडा फैलाना नहीं। देवर्षि नारद हमें सिखाते हैं कि चाहे हजार बार बोलो, असत्य असत्य ही रहता है। और देवर्षि नारद हमें सिखाते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।